सांसद की पत्नी ने किया सनसनीखेज खुलासा, कहा उनके साथ भी की गई थी गलत हरकत। चलती ट्रेन में यात्रा के दौरान हुई थी ईव टीजिंग की शिकार। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की सनसनीखेज खबरों में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत है। केरल के कोटियम के सांसद जोशमणि की पत्नी निशा जोश ने मीटू जैसी दास्तान सुनाई है। उन्होंने अपनी किताब द अदर साइड ऑफ लाइफ में अपने साथ हुए उत्पीड़न का खुलासा किया है। किताब में निशा ने लिखा है कि रेल यात्रा के दौरान एक नेता के बेटे ने उन्हें प्रताड़ित किया। निशा ने इसकी शिकायत टीटी से भी की थी, लेकिन रसूखदार राजनेता का बेटा होने के चलते टीटी ने मामले को दबा दिया। हालांकि जोश ने आरोपी के नाम का जिक्र नहीं किया है। निशा जोश केरल के सांसद जोशमणि की पत्नी होने के साथ साथ केरल कांग्रेस प्रमुख के एम मणि की बहू भी हैं। जोश ने अपने साथ हुई बदसलूकी का जिक्र अपनी किताब द अदर साइड ऑफ दिस लाइफ स्निपेट्स ऑफ माई लाइफ एज अ पॉलिटिशियन वाइफ में किया है। जोश ने लिखा है कि साल 2012 में वो एक रेल यात्रा कर रही थी, उन्हें नींद आ रही थी, लेकिन वह शख्स जो कि आरोपी था उनसे बात करना बंद नहीं कर रहा था। उन्होंने लिखा है कि उस कथित व्यक्ति ने अपनी सीट एडजस्ट करने के बहाने उनके 3-4 बार पैर छुए और इस पर वो असहज महसूस कर रही थी। हालांकि निशा ने अपनी किताब में उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये जरूर बताया है कि उस युवक ने अपने पिता के नाम से अपनी पहचान बताई थी। निशा जोश के मुताबिक उस व्यक्ति ने बताया कि वह अपने ससुर को देखने के लिए जा रहा है जो उस वक्त अस्पताल में भर्ती थे। जोश ने लिखा, वह मेरे बगल में आकर बैठ गया, मैं काफी परेशान और असहज हो गई। जब इस बात की शिकायत उन्होंने टीटी से की तो उसने इस मामले में दखल देने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना चेहरा अपने स्कार्फ से ढक लिया, लेकिन इन सब के बाद भी वह व्यक्ति अपने हाथ से इनके पैर की उंगलियां छूने की कोशिश करता रहा। निशा ने यह भी बताया कि टीटी ने यह करते हुए पल्ला झाड़ लिया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर सकता, और आप लोग तो वैसे भी राजनीतिक दोस्त हैं, मामला खत्म होने के बाद ये पूरा मामला उनके सर पे आ जाएगा। इस कुंठित मानसिकता और विचारधारा वाले समाज में एक औरत का जीना मुश्किल हो गया है। इस घटना से साफ पता चलता है कि राजनेताओं की बहू बेटियां अगर सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता की बहू बेटियों का क्या ही हाल होगा। इसी सवाल के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। इस तरह की खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही फिर हाजिर होंगे ऐसी ही सनसनीखेज खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।